दोस्तों, दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है। अक्सर लोग अपने निजी और ऑफिस के काम से दिल्ली जाते रहते हैं। अगर आप भी घूमने के लिए दिल्ली जाते रहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में ऐसी कई जगह है जहां आप अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। दिल्ली की लड़कियों को तो शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, लेकिन हर दिन नए कपड़ों के लिए जेब ढीली कौन करे। इसलिए ये शॉपिंग स्पॉट्स यहाँ की लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक सब कुछ कम बजट में मिल जाता है। बाहर से आकर दिल्ली में रहने वाली लड़कियों की भी ये फेवरेट मार्केट है। दोस्तों, यहाँ केवल लड़कियों की ही नहीं बल्कि लड़कों के कपड़े से लेकर जूते, घड़ी, चश्मे, हर चीज आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दिल्ली के सबसे सस्ते मार्केट के बारे में। अपने बेस्ट प्राइस में दिल्ली के किसी मार्केट से शॉपिंग की है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली के सबसे सस्ते मार्केट के बारे में, जिसमें नंबर एक पर है सरोजनी नगर। दिल्ली की लड़कियों की जान है ये सरोजनी मार्केट। यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए से कपड़ों की शुरुआत हो जाती है, यानी बजट में पूरी शॉपिंग। कॉलेज गर्ल्स की ये फेवरेट मार्केट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी, जेएनयू, सभी जगहों से स्टूडेंट्स यहाँ हर दिन शॉपिंग के लिए आते हैं। इस मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट है बार्गेनिंग। यहाँ आप अपने मन मुताबिक पैसे कम करवा सकते हैं। इस मार्केट में हमेशा दिन में जाएं, क्योंकि शाम के हिसाब से यहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर आप घर बैठे सरोजनी नगर से शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि सरोजनी नगर की अब ऑनलाइन वेबसाइट भी है। इस बाजार के सबसे पास INA मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सोमवार को सरोजनी नगर मार्केट बंद रहता है। नंबर दो पर है जनपथ। सरोजनी के बाद नंबर आता है जनपथ मार्केट का। सिर्फ एक गली में सिमटी इस मार्केट में आपको कई ट्रेंडी आउटफिट्स मिल जाएंगे। यहाँ कई दुकानें ज्वेलरी की भी है। जंक ज्वेलरी लवर्स के लिए ये बेस्ट मार्केट हो सकती है। इस गली के अलावा रोड की तरफ आपको कई छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कच्छ और राजधानी वर्ग से लगाव है तो इन्हीं स्टोर्स के आसपास आपको कई महिलाएं कपड़े, एक्सेसरीज और होम डेकोरेट का सामान बेचते हुए मिल जाएंगी। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जनपथ ही है। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार को जनपथ की कुछ दुकानें बंद रहती है। नंबर तीन, लाजपत नगर। दोस्तों, आपको एथनिक वेयर बजट में खरीदना है तो लाजपत नगर आपके लिए बेस्ट मार्केट है। यहाँ से आप वेस्टर्न वेयर भी खरीद सकते हैं। लाजपत में आपको कपड़ों के साथ साथ होम डेकोर और फैब्रिक्स भी मिल जाते हैं। यहाँ कई फैशन स्टूडेंट्स अपने लिए सस्ते फैब्रिक की शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर है। ये मार्केट भी सरोजनी नगर की तरह ही सोमवार को बंद रहती है। नंबर चार पर है मोनेस्ट्री कश्मीरी गेट। मोनेस्ट्री बाजार दिल्ली के कश्मीरी गेट में है और आप इसे लड़कों के लिए शॉपिंग अड्डे के तौर पर मान सकते हैं। यहाँ लड़कों के लिए एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेंगे। विंटर वियर से लेकर समर्स तक हर मौसम के लिए यहाँ बेस्ट कपड़े मिल जाएंगे, वो भी आपके बजट में। यहाँ पर कपड़ों के अलावा लड़कों के लिए शूज और बेल्ट जैसी एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। ये मार्केट भी सोमवार को बंद रहती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आते हैं तो यहाँ जाना ना भूले। यहाँ आप अपने लिए अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर पांच पर है कमला नगर। नॉर्थ कैंपस के बीच पॉपुलर इस मार्केट में ब्रांड से लेकर स्ट्रीट शॉप्स तक ढेरों ऑप्शंस हैं। ये जगह DU के स्टूडेंट्स के बीच फूड पॉइंट और हैंगआउट प्लेस के तौर पर फेमस है। आप यहाँ से ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन से शॉप कर सकते हैं। अगर सस्ती शॉपिंग करनी है तो यहाँ स्ट्रीट मार्केट में भी कई बढ़िया कलेक्शन मिल जाएगा। नंबर छह पर है पालिका बाजार। अंडरग्राउंड फुली एसी मार्केट कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में स्थित है। ये मार्केट विशेषकर लड़कों के लिए है और ये विशेष रूप से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ जूतों से लेकर कपड़ों, नाइटवियर, परफ्यूम, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक मिल जाएंगे। इस मार्केट में आपको विभिन्न उत्पादों की व्यापक रेंज मिलेगी। पालिका बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ एक समय में लगभग 15,000 लोग समा सकते हैं। ये बाजार विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। इसका मुख्य द्वार सेंट्रल पार्क के सामने है। यहाँ प्रवेश के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता है। ये मार्केट रविवार के दिन बंद रहती है। नंबर सात पर है गांधीनगर। गांधीनगर की मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सिर्फ किफायती शॉपिंग ही नहीं बल्कि आधे दामों में लेटेस्ट और ट्रेंडी कपड़े खरीद सकते हैं।
अगर आप वुलन वियर की बहुत ही किफायती दाम में शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली के गांधी नगर मार्केट में जा सकते हैं। यहां आपको स्वेटर से लेकर जैकेट तक बहुत कम दामों में आराम से मिल जाएंगे। वैसे तो यह थोक मार्केट है, पर इसके बावजूद आप यहां से सिंगल पीस भी खरीद सकते हैं। बस इसके लिए आपको मोल भाव करना अच्छे से आना चाहिए। दिल्ली का गांधी नगर कपड़ों का एक ऐसा बाजार है जिसमें 15,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। आपको बता दे कि ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, जहां से देश भर के अलग अलग इलाकों में कपड़े सेल किए जाते हैं। नंबर 8 पर है चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली तो सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर ही है। यहां कृष्णा मार्केट है, जहां बेहद सस्ते दामों में सूट और लहंगे मिलते हैं। यह मार्केट सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर है। चांदनी चौक में कई छोटे छोटे मार्केट है जो अलग अलग सामान बेचने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप दिल्ली घूमने जाते हैं तो चांदनी चौक जरूर जाएं। यहां आपको साड़ियां, सूट और लहंगा मिल जाएगा, और लड़कों के लिए हर त्योहार और उत्सव के लिए कुर्ते पजामे भी मिल जाएंगे। यहां की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां के दाम अन्य रिटेल मार्केट की तुलना में 30-40% तक कम होते हैं। आप बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम लीजिए और उनकी ड्रेसेस के रिप्लिका आपको इस बाजार में मिल जाएंगे। यहां 2500 कपड़ों की दुकानें हैं, इनमें से 1000 के करीब दुकानें सिर्फ साड़ियां, सूट और लहंगे बेचती है। ये कपड़ों के थोक बाजार है, साथ ही यहां से पूरे देश में कपड़ा सप्लाई होता है। बस आपके पास ढेर सारा समय होना चाहिए। नंबर 9 पर है सदर बाजार दिल्ली। सदर बाजार दिल्ली का एक होलसेल बाजार है। दिल्ली के सदर बाजार में एक गली है जिसे रूई मंडी के नाम से जाना जाता है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ एक ही नेक पीस के 100 पीस तक मिल जाएंगे। यहाँ रिटेल बाजार की तुलना में कीमतें 40-50% कम होती है। रिटेल बाजार में 400 रुपए में बिकने वाला इयररिंग यहाँ आपको 200-250 रुपए में मिल जाएगा। दिल्ली घूमने आई लड़कियों के लिए ये जगह बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ उन्हें हर तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें बार्गेनिंग करनी चाहिए। यहाँ से दिल्ली NCR और देश के अन्य बाजारों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई होती है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ करीब 40,000 से ज्यादा थोक की दुकानें हैं। कुछ मैन्युफैक्चर भी यहाँ अपना उत्पाद बनाकर खुद ही उसे बेचते हैं। ये बाजार रविवार को बंद रहता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पटरी बाजार लगता है और रिटेल ग्राहकों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। यहाँ संडे को एक मेले जैसा माहौल होता है। नंबर 10 पर है मजनू का टीला। 1960 में मजनू के टीले को मिनी तिब्बत भी कहा जाता था। शानदार और खूबसूरत कपड़ों से सजा ये बाजार कॉलेज जाने वाले और दिल्ली नॉर्थ कैंपस में रहने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कपड़ों के अलावा यहाँ फुटवियर भी अच्छे दामों में मिल जाते हैं। इसका शुरुआती दाम 350 रुपए है। इसके अलावा अगर आपको भूख लगे तो तिब्बती कोल्ड नूडल डिश भी चख ले। ये मार्केट GT रोड पर है। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के वो बाजार जिसे देखे बिना दिल्ली घूमना मानो जैसे अधूरा है। इसलिए अगली बार जब आप दिल्ली घूमने आएं,